इन दिस वीडियो टुडे वी आर लर्निंग बीओई पैनल। सो आज के वीडियोस में हम बीओई का पैनल के बारे में जानेंगे और यहाँ पर देख सकते हो ये उसका टिकॉन बोर्ड है। सो हम टिकॉन बोर्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इस टिकॉन बोर्ड के बारे में काफ़ी सारे बातचीत कर चुका है ऑलरेडी हम लोग। सो अभी इसका प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो आप जो प्रॉब्लम्स है और हॉरिजेंटल लाइन्स एंड वर्टिकल बार दिखाई दे रहे हैं। सो कुछ स्टेप का कॉम्प्लेन है इसके अंदर। ये 43 इंचेस का पैनल है जहाँ पर हॉरिजेंटल लाइंस जंपिंग भी होता है और उसके बाद ये जो वर्टिकल बार है ये ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। सो इसके अंदर जो पैनल्स लगा हुआ है यहाँ पर मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल गया हुआ है सीकेबी लाइंस। सो हम क्या करेंगे इसके अंदर शॉर्ट सर्किट आइडेंटिफाई करेंगे। सेम ईस्ट साइड में भी है यहाँ पर। इसके अंदर हम वोल्टेज चेक करेंगे जहाँ पर क्लॉक सिग्नल से जो सीकेबी लाइन से। सो यहाँ पर देख सकते हो कुछ टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है जो CLK1, CLK2, CLK3, CLK4, CLK5, CLK6। सो ये 6 पॉइंट में हम वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है या क्या हो रहा है। सो यहाँ पर मैंने CLK1 के पास रखा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो -1 वोल्ट दिखा रहा है वोल्टेज वेरिएबल हो रहा है। सो दूसरा पॉइंट पर चेक करते हैं, ये CLK2 है जहाँ पर हमको 9 वोल्ट के अकॉर्डिंग में दिख रहा है। ये CLK3 है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप CLK3 है यहाँ पर 19 वोल्ट शो हो रहा है। ये CLK4 है, CLK4 पर भी 18 वोल्ट के आसपास दिखा रहे हैं और वोल्टेज वेरी कर रहे हैं। ये CLK5, सो यहाँ पर अगर हम देखें वोल्टेज 0.7 के आसपास दिखा रहे हैं और उसके बाद ये CLK6 जहाँ पर 0.8 दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको एक बार जो यहाँ पे FTC केबल है एक एक डिसकनेक्ट करके चेक करेंगे। सो मैंने इसको डिसकनेक्ट करता हूँ। सो मैंने वन साइड का FTC केबल को डिसकनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये जो वोल्टेज अभी चेक किया उसको वापस मेजरमेंट करेंगे। ये देखना है हमें कोई वोल्टेज में चेंजेस आता है या नहीं आता है। सो अभी इस साइड का FTC केबल कनेक्टेड है तो यहाँ पर भी ये क्लॉक सिग्नल दिया हुआ है। सो हम लास्ट में चेक करेंगे, ये CLK6 है जहाँ पर 8 वोल्ट के अकॉर्डिंग में दिखा रहा है। उसके बाद ये CLK5 है जहाँ पर 0.5 दिखा रहा है। उसके बाद ये CLK4 है 0.5, यहाँ पर ये CLK3 में 8 वोल्ट दिखा रहा है। CLK2 8 वोल्ट, उसके बाद ये CLK1 है इसमें भी 8 वोल्ट है और इसके अलावा ये वाला पॉइंट STV का पॉइंट है। सो यहाँ पर हम देखें माइनस वोल्ट है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट पर वोल्टेज है और कुछ पॉइंट पर वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। सो इसका रीज़न ये हो सकता है जो ग्लास के अंदर है कोई शॉर्ट सर्किट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ट्रैक है ये जो गेट ड्राइवर के लिए इनपुट हुआ है जो यहाँ पर अभी जो सिग्नल्स चेक किया CKV लाइन्स, तो इसको हम एक बार क्या करेंगे यहाँ से ब्लॉक करके उसके बाद ग्लास साइड का जो ट्रैक है वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हम ढूंढेंगे
कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट किलर हम अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट सर्किट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो जो कफ का लास्ट एरिया है, एंडिंग एरिया। सो यहाँ पर ट्रैक है। सो यहाँ पर क्या क्या ट्रैक है मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ट्रैक है ये V-Common का टेस्ट ट्रैक है। सो यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पर क्लॉक सिग्नल को ब्लॉक करना है। सो उसके बाद ही यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ट्रैक है, ये जो ट्रैक है यहाँ पर इसका टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये STB का टेस्टिंग पॉइंट है। तो हमको क्या चाहिए, CKB लेंस या क्लॉक सिग्नल चाहिए। तो उसका बाजू में जो ये ट्रैक स्टार्ट हुआ ये क्लॉक सिग्नल है, ये क्लॉक वन है। सो क्लॉक वन, उसके बाद ये क्लॉक टू, क्लॉक थ्री, क्लॉक फोर, क्लॉक फाइव एंड क्लॉक सिक्स। सो ये टोटल CKB 6 लाइन्स है जो हमको क्या करना है, कट करना है। अगर कट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, ये जो होल्स दिखाई दे रहा है इस होल्स की ऊपर से कट करना है। लाइक यहाँ से आप कट कर सकते हो, कट करने के बाद वापस जोड़ना भी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ से हम काट दिया इन सारी ट्रैक को, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से चेक करेंगे ये क्लॉक वन एंड टू, ये दोनों में क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे मल्टीमीटर के द्वारा ओम्स मोड में रख के। फिर उसके बाद ये टू एंड फोर ऐसे करके, फाइव एंड सिक्स ऐसे करके हम क्या करेंगे सारी इसका कनेक्टिविटी लेंगे और ओम्स मोड में रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस पैनल में क्या है, जो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सो ये रेजिस्टेंस यहाँ से लेके हमारा इस एरिया में जाएगा। तो हम अगर इस रेजिस्टेंस को डिसकनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस कनेक्टर से और यहाँ पर जहाँ से इनपुट हो रहा है मतलब ग्लास साइड से, तो यहाँ से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कट नहीं करेंगे, जो यहाँ पर जो ट्रैक है इसको हम कट नहीं करेंगे, ये रेजिस्टेंस को बस डिसकनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रैक डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो उसका ग्लास साइड होगा मतलब ग्लास साइड में इस साइड में आने का जो ट्रैक है, उस ट्रैक को यहाँ से हम क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे कौन सा पेयर में शॉर्ट है। सेम यहाँ पर अगर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट में भी है यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी सारे रेजिस्टेंस डिसकनेक्ट करके हम सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे। तो मैंने अभी इस रेजिस्टेंस को डिसकनेक्ट करेंगे सोल्डरिंग आयरन से। तो ऑब्वियसली इसको डिसकनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, पेस्ट चाहिए, यहाँ पर हम पेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर टोटल 7 रेजिस्टेंस है, लेकिन हम 6 रेजिस्टेंस को डिसकनेक्ट करेंगे, जो टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है वो सारे क्लॉक सिग्नल है। सो यहाँ पर मैंने 6 ट्रैक को डिसकनेक्ट कर दिया जो क्लॉक सिग्नल्स था। अभी इन सारी ट्रैक को क्या करेंगे, हम क्लॉक क्लीन करेंगे
और क्लीन करने के बाद मल्टीमीटर से हम पहले कनेक्टिविटी लेके देखेंगे कि कौन सा ग्लास साइड में जा रहा है और कौन सा कनेक्टर से आया है। जो ग्लास साइड में गया हुआ है उसी ट्रैक को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे शॉर्ट सर्किट है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारे रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे। सो मल्टीमीटर को हम ओम्स में रखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटो मोड में है। यहाँ पर जितना भी क्लॉक सिग्नल से वन बाय वन हम चेक करेंगे। कोई रीडिंग्स नहीं आया। वन एंड टू चेक करो, उसका बाजू वाला वन एंड टू। हाँ सो ये सीएल के वन एंड टू, थ्री एंड फोर को चेक करो। थ्री एंड फोर यहाँ पर भी कोई रीडिंग्स नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तीन पेयर से लेकिन यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। तो अभी हम इसका ऑपोजिट में जो है, इसका ऑपोजिट में और भी क्लॉक सिग्नल से जो अदर साथ में, सो यहाँ पर भी हम रेजिस्टेंस डिसकनेक्ट करके रखा हूँ। यहाँ पर भी हम चेक करेंगे कोई है कि नहीं है। सो सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। जैसा क्लॉक वन एंड टू को ओम्स में रीडिंग्स लेना है, फिर थ्री एंड फोर को लेना है, फोर एंड फाइव को लेना है, फिर उसके बाद वन बाय वन अगर उसमें नहीं आता है तो सारे एक दूसरे के साथ ऐसे चेक करेंगे। और ये जो ओम्स है स्टेबल होना चाहिए, अगर आके चला गया तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्लॉक सिग्नल से यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज से ड्रॉप वगैरह हो रहा है। सो इसका प्रॉब्लम अगर हम सोचें, ये जो टिकॉन बोर्ड है, ये टिकॉन बोर्ड भी हमारे पास न्यू अवेलेबल है, टिकॉन बोर्ड भी हम रिप्लेस कर दिया। सो उसके बाद भी यहाँ पर वर्टिकल बार टाइप का बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तो शॉर्ट सर्किट नहीं मिला तो मैं कुछ और आइडेंटिफाई करता हूँ। अगर इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है।